हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता था ठीक ठाक कैसे होगे। तो आज के वीडियो हम बात करने वाले फेसबुक अकाउंट को अपडेट पे भेजने की। तो जैसे कि अभी फेसबुक पे कुछ भी लिंक विंक कोई भी वर्क नहीं कर रहा, तो फेसबुक आईडी भी बहुत लेट अपडेट पे जाती है। लेकिन अब आप वीडियो में देखोगे आगे कि मेरी आईडी जस्ट नाउ पे गई है, तो इसलिए मैं ट्रिक अपलोड कर रहा हूँ। मैंने दो दो अकाउंट भेजे उस ट्रिक से, तो जस्ट नाउ गई दोनों, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो जैसे कि मैंने ओल्ड वीडियो डाली थी यहाँ पर अपडेट की, तो इससे भी जस्ट ना हो गई थी मेरी, आपने देखी नहीं होगी। तो अब ये वर्क नहीं कर रही, लेकिन इससे अब नहीं जा रही, तो मैं न्यू वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके इसे ऑल पे कर लो, जिससे आपको ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना क्रोम का डाटा क्लियर कर लेना है। तो जैसे कि देखो ये रहा क्रोम, तो इसको मैं प्रेस करके इस पर ऐप इन्फो पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा स्टोरेज यूजेज का, तो इसे इस पर क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके सामने क्लियर डाटा का, तो आपको इस पर क्लिक करना है, क्लियर डाटा कर देना है। तो देखो भाई, जैसे कि यहाँ पे क्रोम का डाटा क्लियर हो गया है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना क्रोम ओपन करना है। तो जैसे कि मैं ओपन कर ले रहा हूँ, तो ये एक्सेप्ट अलाउ मांगेगा, तो आपको कर देना है सब कुछ अलाउ। तो देखो यहाँ पे आपको फेसबुक का वो आ रही होगा, तो आपको ओपन कर लेना है इसे। और यहाँ पे आपको अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है, जिसे अपडेट पे भेजना है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये देखो मैंने मेल डाल लिया, आप देख लो इसी मेल से आईडी अपडेट पे जाएगी। तो अब हम लॉगिन कर लेते हैं मेल एंड पासवर्ड डालने के बाद। तो देखो गाइस, जैसे कि आपके सामने आईडी हमारी अपडेट पे भेजेंगे इस वाली को हम, तो ये ओके नोट नाउ, जो करना आपको कर लेना। तो ये ब्लॉक अलाउ कुछ मांग रहा है आपको, जो मन करे वो कर लेना। तो देखो भाई, जैसे कि यहाँ पे मैंने उसे ब्लॉक कर दिया उस नोटिफिकेशन को, तो यहाँ पर आपको 3 लाइन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल ओपन करनी है। तो जैसे कि ये देखो यहाँ पे प्रोफाइल दिख रही है, तो देखो जैसे कि ये अकाउंट अपडेट पे भेजेंगे हम, तो आपको यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहा होगा सी और अबाउट इन्फो का। तो देखो यहाँ पे सी और अबाउट इन्फो का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है थोड़ा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, एडिट का ऑप्शन जो आ रहा है। तो मैं अपना प्रूफ देख लेता हूँ। तो देखो मेरे प्रूफ में डेट ऑफ बर्थ क्या है, 25 फरवरी 1979। तो आपको यही प्रूफ वाली कर लेनी है। प्रूफ मतलब आधार कार्ड, CNIC, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी जो आपके कंट्री का है। तो ये देखो हम प्रूफ वाली कर लेते हैं, आप भी प्रूफ वाली कर लेना जो आपके प्रूफ में। तो देखो भाई, उसके बाद देखो मैंने 25 फरवरी 1979 DOB कर लिए, जो आपके प्रूफ में हो वो आपको कर लेनी है। तो जैसे कि मैंने कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कन्फर्म डेट आई एम। यहाँ पे देखो DOB करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन आ रहा होगा आई कन्फर्म डेट आई एम, आपकी एज आएगी फिर प्रूफ के हिसाब से, तो आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका प्रूफ मेल का या फीमेल का, तो वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मेरा प्रूफ मेल का है, तो मैंने मेल सिलेक्ट कर रखा है, आप जिसका वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद सेव का ऑप्शन आएगा, आपको सेव कर देना है। तो ये देखो गाइस, हमारी DOB चेंज हो गई है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आ जाना है, आपको पूरा बैक आ जाना है। तो ये कैंसिल कर लेते हैं। तो क्रोम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो गाइस, जैसे कि आपको फुल बैक आ जाने के बाद फिर से वहीं पे 3 लाइन पर क्लिक करना है, तो हम बैक कर लेते हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ पे आपको 3 लाइन आ रही है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको सेटिंग ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेटिंग्स का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है, और उसके बाद नेम का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, तो नेम पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना प्रूफ का नेम लिख लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे प्रूफ का नेम क्या है। तो देखो आपके सामने मेरे प्रूफ का नाम सुल्तान महमूद है, तो फर्स्ट में हम सुल्तान लिखेंगे और लास्ट नेम में महमूद।
तो जैसे कि मैं लिख लेता हूँ, जो आपके प्रूफ का नेम हो आपको वो लिखना है, ठीक है? तो जैसे कि हम लिख लेते हैं, तो देखो भाई जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रूफ का नेम ये है, देख सकते हो आप, और यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट नेम में डाल लिया है, लास्ट नेम में डाल लिया है आपके सामने। तो उसके बाद आपको क्या करना है, रिव्यू चेंज पर क्लिक करना है। तो ये कैंसिल कर देते हैं हम। तो यहाँ पे आपके सामने देखो, मैंने प्रूफ नेम डालने के बाद रिव्यू चेंज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी आईडी का पासवर्ड डाल लेना है। तो देखो गाइस जैसे कि मैंने पासवर्ड डाल लिया है, उसके बाद सेव चेंज पर हम क्लिक कर देते हैं, और ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है आपको। तो देखो गाइस जैसे कि हमारा प्रूफ वाला नेम हो गया आईडी का, उसके बाद आपको बैक आ जाना है फिर से। तो जैसे कि हम बैक आ गए, उसके बाद आपको यहाँ पे देखो 1 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद, तो देखो यहाँ पे आपको 1 टैब का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है बॉक्स के पास, ये देखो जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एरो से। उसके बाद आपको प्लस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो देख लो जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखना है आपको। तो आपको सेम लिखना है, मैं लिंक नहीं दूंगा आपको क्योंकि आपको मैं पूरा बता दे रहा हूँ वीडियो में। तो देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया फेसबुक नेम चेंज लिंक, तो देखो आपके सामने लिख रहा हूँ मैं फेसबुक नेम चेंज लिंक। उसके बाद आपको सर्च कर देना है ये। तो जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ, तो देखो भाई जैसे कि आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट लिंक आ गया है ये फेसबुक नेम चेंज लिंक सर्च करने के बाद। तो हम इसे फर्स्ट लिंक को ओपन करते हैं। उसके बाद देखो ये ओपन हो गया हमारे सामने। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है थोड़ा, तो देखो आपके सामने यहाँ पे फिल आउट दिस फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो गाइस आपके सामने हमारा नेम अपडेट लिंक ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रूफ का फर्स्ट नेम डाल देना है। तो जैसे कि हमारे प्रूफ का फर्स्ट नेम है सुल्तान, तो हम सुल्तान लिख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम में, और लास्ट में महमूद है तो महमूद लिख लेते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखो जैसे कि मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख लिया है, उसके बाद स्पेस देनी है, और उसके बाद m.m, और उसके बाद ये देख लो आप जो मैं लिख रहा हूँ, तो ये बता नहीं सकता मैं, आप सेम ऐसे कर लेना। ठीक है गाइस, आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट में प्रूफ नेम, उसके बाद लास्ट प्रूफ नेम, उसके बाद यहाँ पे देख लो आप जो लिखा हुआ है सेम लिख लेना। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे पिक वन का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे लीगल नेम चेंज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर सिलेक्ट कर लेते हैं हम लीगल नेम चेंज पर। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा चूज़ फाइल का, यहाँ पे आपको अपना प्रूफ सिलेक्ट करना है। तो देखो गाइस जैसे कि हमारा ये रहा प्रूफ फर्स्ट पे आ रहा है, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और डन कर देते हैं। तो हमने डन कर दिया, तो मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पे प्रूफ का फर्स्ट नेम और प्रूफ का लास्ट नेम, उसके बाद स्पेस m.m, और उसके बाद जो लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आपको लीगल नेम चेंज सिलेक्ट करना है, और आपको नीचे प्रूफ सिलेक्ट करके अब उसके बाद आपको लास्ट काम क्या करना है, सेंड कर देना है। तो देखो गाइस जैसे कि आपके सामने मैंने सेंड कर दिया, सेंड हो रहा है ऊपर। उसके बाद हम वेट करते हैं जब तक ये सेंड होता है। तो देखो गाइस जैसे कि यहाँ पे हमारा नेम अपडेट की अपील सबमिट हो गई। उसके बाद हम सपोर्ट बॉक्स ओपन करते हैं और देख लेते हैं हमारी नेम अपडेट की अपील। देखो गाइस जैसे कि आपके सामने देख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी आईडी लो, मैं एसएस ले लेता हूँ। उसके बाद आपको आईडी लॉग आउट कर देनी है। तो देखो आपको आईडी क्या करनी है, लॉग आउट कर देनी है। तो जैसे कि यहाँ पे लॉग आउट का आ रहा है, तो हम लॉग आउट कर देते हैं इसे। तो देखो गाइस जैसे कि अभी 4-9 हो रहे हैं आपके सामने, और डेट आप देख सकते हो 4-9 हो रहे हैं, तो मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ जब तक। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे 4:14 हो रहे हैं, तो हमारी आईडी 5 मिनट में अपडेट पे चलेगी। तो मैं आपको फेसबुक का नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो देख लो गाइस यहाँ पे अभी जस्ट नाउ पे आया हमारा, तो इसे ओपन करके दिखाए थे हम, हमारी फेसबुक अकाउंट अपडेट पे चला गया है। और आप मेल देख लो, देखो वही मेल है आपके सामने। तो अब हम आईडी लॉगिन करते हैं। तो देख लो आपके सामने 5 मिनट में फेसबुक अकाउंट हमारा अपडेट पे चला गया है। तो जैसे कि हम यहाँ पे मेल पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम पासवर्ड डाल लेते हैं। तो देखो गाइस जैसे कि वही मेल है एंड पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद में हम लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखो गाइस आपके सामने हमने जैसे अपडेट पे भेजी थी हमारी आईडी, चली गई जस्ट 5 मिनट में चली गई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।